आज फिर बिहार की जनता पर डोरे डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार को देंगे 901 करोड़ रुपए की सौगात। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 901 करोड़ की तीन योजनाओं का वर्चुअल समारोह के माध्यम से करेंगे शुभारंभ। नीट 2020 परीक्षा आज से होगी शुरू। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। देश के विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे पेपर। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह ने झोंकी ताकत। आज गोहद में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे साथ। मध्य प्रदेश में फिर सत्ता में आने के लिए कमलनाथ ने भी लगाया जोर। ग्वालियर चंबल संभाग में आज भी प्रचार करेंगे कमलनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान में सचिन पायलट को नई समिति में भी नहीं मिला पद। कांग्रेस जल्द पायलट को देगी जगह। आज अजय माकन खुद कर सकते हैं बात। उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए प्रियंका ने लगाया दम। कार्यकर्ताओं को दिया जनता के बीच जाने का संदेश। समिति के नए सदस्य आज दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात। 6 महीने बाद आज फिर से अपने पूर्व समय पर चलेगी दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी सूचना। एक बार फिर सुबह 6 बजे से दौड़ेगी मेट्रो। नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा। आरएसपी प्रमुख शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर आज पटना में करेंगे प्रदर्शन। सरकार पर लगाया छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप। पंजाब सरकार ने दी लोगों को राहत। केवल रविवार को ही जारी रहेगी पूर्णबंदी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पूरी तरह पालन। जेईई एडवांस कोर्स के लिए आज से अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। फीस पेमेंट करने के लिए कैंडिडेट्स को 18 सितंबर तक दिया गया समय। विदेशी छात्रों के लिए पिछले हफ्ते शुरू हो गई थी प्रक्रिया।